इसराइल हमास जंग में अब तक 1100 से ज्यादा मौतें। इसराइल ने कहा हमास को जड़ से मिटा देंगे। इसराइल ने गाजा बॉर्डर पर भेजे 1,00,000 सैनिक। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज तीसरा दिन है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 700 इसराइलियों की मौत हो चुकी है, 2100 घायल हैं। वहीं इसराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 413 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घायल है। इस बीच इसराइली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा हमास को जड़ से मिटा देंगे। यह सुनिश्चित करने की जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को गर्वन करने की क्षमता ना रहे। वहीं इसराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1,00,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। इधर अमेरिका ने इसराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका जेराल्ड आर फोर्ड के साथ क्रूजर यूएसएस नॉर्मडी, डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस रैमेज, यूएसएस कार्नी और यूएसएस रूजवेल्ट भी भेज रहा है। ये वॉरशिप F-35, F-15, F-16, F-10 लड़ाकू विमानों से लैस हैं। अहम अपडेट्स। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसराइल में केरल की एक महिला घायल हो गई है। UN ने कहा इसराइली हमलों के बाद गाजा में 1,30,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 74,000 लोग स्कूलों में शेल्टर ले रहे हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के हमले में 260 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसराइल में नेपाल के 10 छात्रों, 4 अमेरिकी और थाईलैंड के 12 नागरिकों की मौत हो गई। इसराइल में फंसे मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री सुरक्षित मिस्र ले जाए गए। हमास ने बंधकों को सुरंगों में रखा। हमास ने दावा किया कि उसने इसराइल के 163 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी से लगी सुरंगों में रख रखा है। वह इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इसराइल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इसके पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया था कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। सोशल मीडिया पर कई फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली में 18,000 भारतीय सभी सुरक्षित तेल अवीव स्थिति। भारतीय दूतावास के मुताबिक इजरायल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं, फिलहाल अभी सुरक्षित है। इजरायल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। वही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने उनके नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के 11 स्टूडेंट्स मारे गए जबकि 4 स्टूडेंट घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक उनके 17 छात्र किबुत्स इलाके में थे जहां हमास ने फायरिंग की। दरअसल हमास ने इसराइल में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वहां थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके 11 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताज़ा तरीन और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।